मैक्स प्रो M1 के लिए 087 का जो बिल्ड नंबर का अपडेट आया है वो आपको क्यों करना चाहिए, तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देख लेना, छोटा सा ही वीडियो होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं Asus ZenFone Max Pro M1 के लिए 087 के बिल्ड नंबर के अपडेट के बारे में। यहां पर आपको इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी देखने के लिए मिलती है। ये अपडेट की साइज इतनी क्यों दी गई है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इसकी जो साइज है 603 MB की है। यहाँ पर जो इसका बिल्ड नंबर देखने के मिलता है 087 का है, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने के लिए मिलता है जो कि सितंबर 5 का है। काफ़ी अच्छी बात है, लेटेस्ट सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर ये जो अपडेट हम लोग को दिया गया है Asus ZenFone Max Pro M1 के लिए, आई होप सभी लोगों ने इसको अपडेट कर लिया होगा। जिनको नहीं मिला अपडेट तो वेट करो, यहाँ पर जैसी Asus की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जैसे ही डाउनलोड लिंक आ जाएगी वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना जैसी फाइल आ जाएगी वैसे। तो यहाँ पर ये अपडेट सब लोग को मिल जाएगा, जैसे ही मिल जाएगा तो अपडेट कर लेना, एक ही बात बोलना है तो अपडेट कर लेना। ये अपडेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसके जो अपडेट में आप लोगों को क्या क्या चेंजेस करके देखने के लिए मिलते हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर Max Pro M1 के लिए 087 का जो बिल्ड नंबर है इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ अच्छी करके देखने के लिए मिलेगी, वो है ऑडियो क्वालिटी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पिछला अपडेट था हमारे Max Pro M1 के लिए वहाँ पर भी ऑडियो अच्छा था, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन शायद बेस का किसी किसी को इशू देखने के लिए मिल रहा था, मतलब बेस वगैरह थोड़ा कम देखने के लिए मिलता था। यहाँ पर अगर 087 अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पर बेस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 087 के बिल्ड नंबर के अपडेट में ऑडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई इशू यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है आपको। अगर किसी को गलती से ये इशू देखने के लिए मिल रहा है तो एक बार अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करो यार, रिस्टार्ट करके अगर ठीक हो रहा है काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिसेट करके देखो तो उससे आपको ज़रूर अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अगर कैमरे की बात करूँ कुछ खास नहीं है, मतलब जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही, कुछ नया यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलता है हमें इस अपडेट के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर लेकिन कुछ बिगाड़ा भी नहीं गया कैमरे के अंदर, ये भी एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर हीटिंग इशू की, एक ही बात बोला जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग के पास Max Pro M1 का डिवाइस है तो यहाँ पर अब आपको हीटिंग इशू भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हल्का हल्का सा किसी किसी को देखने के लिए मिल सकता है, वो भी दोस्तों थोड़ा बहुत चार्जिंग के समय। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चार्जिंग को लगा रहे हो तो प्लीज़ चार्जिंग के समय अपने डिवाइस को यूज़ मत करो, चार्जिंग कर लो पहले उसके बाद अनप्लग करके आप डिवाइस को यूज़ करो। तो यहाँ पर सिस्टम स्टेबिलिटी कैसी है, यहाँ पर सिस्टम स्टेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, एकदम स्मूथ है, एकदम मतलब कुछ लैग वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितना जूना डिवाइस होने के बावजूद भी नए अपडेट के बाद कुछ ऐसा इश्यू यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं, ये चीज़ आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैटरी बैकअप यहाँ पर ठीक है, एकदम भी हाई लेवल का अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों एक अच्छी चीज़ है कि इस नए अपडेट के बाद बैटरी को डिक्रीज नहीं किया है, मतलब बैटरी बैकअप ख़राब नहीं किया है, पहले से अच्छी है, पहले जैसी भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उससे ज़्यादा ही अच्छी देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगी इस अपडेट के बाद बैटरी बैकअप। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम लोग होंगे जिनको बैटरी बैकअप का इशू देखने के लिए मिल रहा होगा, यानी कि बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिल रहा होगा, अदरवाइज़ बहुत से यूज़र हैं जिनको बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो यहाँ पर आपको साउंड अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर आपको बैटरी अच्छी मिल रही है, सिस्टम स्टेबिलिटी थोड़ी सी और आपको इम्प्रूव करके देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर ये जो अपडेट है 087 का जो बिल्ड नंबर है Max Pro M1 के लिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बग्स फ़िलहाल के लिए देखने के लिए नहीं मिले, और मैं यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस अपडेट में ज़्यादा आने वाले टाइम में कोई बग्स दिखे भी नहीं। तो यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ ये अपडेट आपको क्यों करना चाहिए। तो ये जो अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो साइज़ मैंने आपको बताई थी लगभग 603 MB की है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेटेड है। तो एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, ये जो अपडेट है अब एंड्रॉयड पाई के लिए लास्ट अपडेट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एंड्रॉयड पाई के लिए लास्ट अपडेट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आपको अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट मिलेगा वो एंड्रॉयड 10 स्टेबल का ही देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल एंड्रॉयड पाई के टाइम पर भी हुआ था, और ये चीज़ अब यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के टाइम भी देखने के लिए हमें मिलेगी। तो ये जो अपडेट है इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड करके यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो इसकी साइज है 603 MB की, ये इसलिए दी गई है ताकि एंड्रॉयड 10 का जब स्टेबल अपडेट आए तो उसको अपडेट होने में, उसको अपडेट करने के बाद कोई भी नया इशू देखने के लिए ना मिले,
इसलिए इतनी बड़ी साइज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। यहाँ पर ये जो बड़ी साइज़ यहाँ पर काफ़ी सारे छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स किया गया दोस्तों। हाँ अब ये बात अलग होती है कि एंड्रॉयड 10 या फिर कोई भी स्टेबल अपडेट होता है उनमें भी तो छोटे मोटे कोई ना कोई बग्स मिलते ही है, तो वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अपडेट के दौरान फिक्स करते रहते। तो ये जो अपडेट है 603 MB का, ये अपडेट बुरा नहीं है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव करके देखने के लिए मिलेगी, बैटरी साउंड काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी इस अपडेट में। हीटिंग इशू भी ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगी। गेमिंग के बारे में दोस्तों अब मैं कह नहीं सकता, आप लोग चेक करके मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट करने का यही रीज़न है कि अपडेट अच्छा है, और दूसरी बात इसके बाद अब आपको डायरेक्ट एंड्रॉयड 10 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग एंड्रॉयड 10 बेटा यूज़ कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर बेटा 2 या बेटा 3 यूज़ कर रहे हो, तो जाओ डाउनग्रेड करके आप एंड्रॉयड 5 पे आ सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब ये जो अपडेट है उसके बाद डायरेक्ट एंड्रॉयड 10 का स्टेबल अपडेट मिलेगा, और वो अपडेट दोस्तों मेरे ख्याल से अक्टूबर मंथ में ज़रूर देखने के लिए मिल सकती है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी, और आपके क्या राय है इस अपडेट के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आने वाले दिनों में इस अपडेट के अंदर और क्या क्या नया देखने के लिए मिला है या फिर कोई बग्स निकल के आया है उसके ऊपर मैं बाद में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो तो खैर बाद की बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जब भी एंड्रॉयड 10 का स्टेबल अपडेट आएगा तो उसकी वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।